गेम ऑफ थ्रोन्स इस शो का कुछ अलग ही लेवल था। वहीं पे द विचर ने आके सबकी सिट्टी पिट्टी ही गुल कर दी। सो हेलो एवरीवन, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स का कंपटीशन हो जाए द विचर से तो कौन सा शो जीतेगा, ये तो भौकाल ही आ जाएगा। तो आज हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स और द विचर को आमने सामने रख के कंपटीशन करने वाले हैं, वर्सेस बैटल करने वाले हैं, कौन सा शो कहाँ पे टिकता है और कौन सा शो फाइनली जीत जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है सबसे ज्यादा इनलीगली देखे जाने वाले शो का, वहीं पे द विचर ने आते ही व्यूअरशिप के सारे पैमानों को तोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं इस बैटल को, पर उससे पहले बता दूं अगर इनमें से आपने कोई शो नहीं भी देखा है तो इस बैटल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पॉइलर फ्री है। एंड इसके साथ एक पूरी फ्रेंचाइजी मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स को एक सिंगल सीजन मतलब विचर से का कंपैरिजन करना फेयर नहीं है। तो हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन वन का द विचर के सीजन वन से कॉम्पिटिशन करेंगे। सो लेट्स बिगेन। तो आज की हमारी वर्सेज बैटल उन पॉइंट्स कैटेगरीज पे डिवाइडेड हैं जो कि एक वेब सीरीज को मास्टरपीस बनाती है या फ्लॉप बनाती है, बेस्ट बनाती है या वर्स्ट बनाती है। तो आज गेम ऑफ थ्रोन्स वर्सेस द विचर का कंपटीशन होने वाला है। तो आज गेम ऑफ थ्रोन्स और द विचर का कंपटीशन होने वाला है सारी ही कैटेगरीज में, जैसे कि स्टोरी प्लॉट, डायरेक्शन, IMDB एंड रोटेन टमेटोज, इनके ऑडियंस स्कोर, बिकॉज मासेस का ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मासेस को क्या पसंद आया है ज़्यादा। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है स्टोरी की, गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी स्टोरी में इतने ट्विस्ट्स थे कि क्या ही बोले, और उन ट्विस्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। लिटरली जब सीजन वन आया था हम जिसको हीरो समझ रहे थे वो लास्ट में जाके टपक गया था। ये तो हमको बाद में गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर की स्पेशलिटी पता चली कि वो जिसको हीरो बनाते हैं उसको टपका देते हैं, बट जब फर्स्ट सीजन में ऐसा कुछ हुआ था तो सबके रोंगटे तो ज़रूर खड़े हो गए थे। तो गेम ऑफ थ्रोन्स को 10 out of 9 स्कोर मिलता है स्टोरी पे। वहीं पे द विचर, इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जिस तरीके से डायरेक्टर ने इस स्टोरी को दिखाया था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत और ज़्यादा निखर के आने लगी थी, वरना इसकी स्टोरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। 3 टाइमलाइंस पर शो चलता है, एक विचर, एक येनिफर और एक सीरी, इन सब की स्टोरी और जर्नी और लास्ट में ये लोग कैसे मिलते हैं, यही थी कहानी विचर की। तो विचर को मिलते हैं स्टोरी प्लॉट पे 8 पॉइंट्स। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि किस शो के VFX, विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर थी। तो यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 का शो था, उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से इस शो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट द विचर 2019 का शो है जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, बजट, हर चीज़ अव्वल है। तो यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स को मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स, वहीं पे विचर को मिलते हैं 10 out of 10। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्कोर्स और म्यूजिक की, मतलब कि बैकग्राउंड स्कोर्स और म्यूजिक। गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइटल सॉन्ग, थीम सॉन्ग इतना ज़्यादा फेमस है कि उसके कुछ अलग ही कहने हैं, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहीं पे विचर के भी बहुत अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर्स और थीम सॉन्ग भी, बट अगर उसको हम गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करते हैं तो गेम ऑफ थ्रोन्स के स्कोर्स और म्यूज़िक कुछ अलग ही लेवल का था। ऐसे गाने थे उस शो में जो कि हिट हो गए थे, वहीं पे विचर में भी गाने काफ़ी अच्छे थे, बट उनको हम गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स को स्कोर्स और म्यूज़िक के कैटेगरी पे 10 out of 10 मिलते हैं, वहीं पे विचर को 8 out of 10 मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं IMDb रेटिंग की। ये मासेस की रेटिंग है, मतलब कि एक मासेस ऑडियंस को कैसा लगा है ये शो। तो सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन वन की IMDb रेटिंग है 9.0 की, वहीं पे द विचर के सीजन वन की IMDb रेटिंग है 8.3 की। तो यहाँ पे कोई शक ही नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया है,
वहीं पे विचर भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बट गेम ऑफ थ्रोन्स से थोड़ा सा कम ही आया है। तो यहाँ पे हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को दे देते हैं 9 out of 10, वहीं पे विचर को दे देते हैं 8 out of 10। वहीं पे रोटेन टमेटो के भी ऑडियंस स्कोर की बात करते हैं। रोटेन टमेटो में ऑडियंस स्कोर में द विचर को मिले हैं 92%, वहीं पे गेम ऑफ थ्रोन्स को मिले हैं 96%, वो भी सीजन 1 को। तो हम इस कैटेगरी में गेम ऑफ थ्रोन्स को 10 आउट ऑफ 10 देते हैं और विचर को 9 आउट ऑफ 10 देते हैं। वहीं पे डायरेक्शन वाइज गेम ऑफ थ्रोन्स का कुछ अलग ही लेवल था। जिस हिसाब से इसमें ट्विस्ट आए, जिस हिसाब से शो को दिखाया गया, फिल्माया गया, इस शो की स्टोरी को प्रिडिक्ट कर पाना, मतलब कि अपने सर से बाल को नोचना, कुछ ऐसा ही था। वहीं पे द विचर का डायरेक्शन तो कुछ अलग ही लेवल का था। उसके डायरेक्टर को भी मैं तो सलाम करता हूँ। स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, बट डायरेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया। शुरुआत से अंत तक हमको समझ नहीं आया क्या चल रहा है। वहीं पे लास्ट एपिसोड पे सब कुछ दिमाग के पल्ले पे पड़ता है। ये होती है डायरेक्टर की होशियारी। तो यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज था। तो गेम ऑफ थ्रोन्स को 10 आउट ऑफ 9 देता हूँ, वहीं पे विचर को भी 10 आउट ऑफ 9 देता हूँ। वहीं पे बात करूँ मेरे रेटिंग की, तो मेरे को ये दोनों शोज ही बहुत ज़्यादा पसंद आए, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आए। बट यहाँ पे मैं सेम रेटिंग तो नहीं दे सकता हूँ, किसी एक को जिताना ही पड़ेगा। तो मेरे को गेम ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट सीजन ज़्यादा पसंद आया। जिस समय ये शो आया था लोगों को खबर नहीं थी कि क्या आने वाला है, बट जब विचर आया था तब सबको खबर थी कि ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स को रिप्लेस करने आया है। तो हाँ, यहाँ पे मिलेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स को 10 आउट ऑफ 10 और वहीं पे विचर को मिलेंगे 9.5 out of 10। अब यहाँ पे मुझसे कुछ लोग बोलने वाले हैं कि यार तुमने एक्टिंग को इंक्लूड नहीं किया। मेरे को यहाँ पे ये लगा कि एक्टिंग वाइज दोनों शोज ही बहुत ज़्यादा बेस्ट थे, हम जज ही नहीं कर सकते एक्टिंग के बेसिस पे। गेम ऑफ थ्रोन से कोई भी ऐसा पर्सन निकाल के दिखाइए जिसने अच्छी एक्टिंग ना करी हो, वहीं पे विचर से भी कोई ऐसा पर्सन निकाल के दिखाइए जिसने अच्छी एक्टिंग ना की हो। अगर हमें यहाँ पे रेटिंग देनी भी पड़ेगी तो सेम ही देनी पड़ेगी, जो कि कैंसल आउट हो जाएगी। तो फाइनली अब है रिजल्ट की बारी। तो टोटल स्कोर होते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के 66 out of 70, वहीं पे द विचर के टोटल स्कोर होते हैं 61.5, मतलब कि 62। तो यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 ही जीतता है द विचर के सीजन 1 से। बट मेरे को ये दोनों शोज ही बहुत ज़्यादा पसंद आए, बट गेम ऑफ थ्रोन्स अभी तो विचर से आगे है। अब विचर का नेक्स्ट सीजन कैसा होता है उस हिसाब से हम आगे की वर्सेस बैटल ज़रूर करेंगे, अगर मेरा ये चैनल तब तक रहा। आपको ये मेरी बैटल कैसी लगी, फेयर लगी, क्या भी लगा, सब कुछ मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। और कोई भी पॉइंट है तो वो भी बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मेरे लिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।